किसी गांव में संजना नाम की लड़की अपनी दो छोटी बहनों के साथ अपने मामा के घर पर रहती थी। संजना का मामा काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहरों में घूमा करते थे। इसी बात का फायदा उठाकर संजना की मामी संजना और उसकी दोनों बहनों पर खूब अत्याचार किया करती थी। मामी, आज मेरे स्कूल की फीस भरने का आखिरी दिन है, मुझे पैसे दे दीजिए। तुझे स्कूल की फीस भरने के लिए कभी पैसे नहीं मिलेंगे। मेरा पति मेरे लिए मेहनत करके पैसे कमाता है, तुम तीनों के लिए नहीं। अब तक जो होना था सो हो गया। अब मैं अपने पति की कमाई का एक रुपए भी तुम तीनों पर खर्च नहीं करने वाली। अगर तुझे पढ़ाई लिखाई का इतना ही शौक है तो कहीं काम कर और अपनी पढ़ाई कर। ठीक है मामी, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद संजना काम ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगती है। फिर उसे केक की दुकान पर काम मिल जाता है। संजना उस दुकान पर काम करने लगती है। दूसरी तरफ संजना की गैर हाजिरी में उसकी मामी उसकी दोनों बहनों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। तुम दोनों आराम से बैठी बैठी क्या कर रही हो? बाथरूम में जाकर मेरे कपड़े साफ करो, बाद में तुम दोनों को पूरे घर की सफाई करनी है। मामी, हम दोनों तो बहुत छोटी हैं, हमसे इतना काम नहीं हो पाएगा। खाना खाते समय तुम दोनों मुंह खूब चलाती हो ना? खाना खाने में तुम दोनों जरा भी कमी नहीं करती। मैं कुछ नहीं जानती, तुम दोनों घर के सारे काम करने पड़ेंगे, वरना मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद मामी एक डंडा उठा लेती है। ये देख संजना की दोनों बहनें घबरा कर काम करने लगती हैं। दूसरी तरफ संजना रात को घर आती है। उसे देख उसकी दोनों बहनें रोने लगती हैं। दीदी, आपकी गैरहाजिरी में मामी ने हमसे बहुत काम करवाया, इतना ही नहीं उन्होंने हमें खाना तक नहीं दिया। अपनी बहनों की बुरी हालत देख संजना को बहुत गुस्सा आता है। मामी, ये सब क्या है? आपने इन दोनों को खाना क्यों नहीं दिया? क्योंकि इन दोनों ने ठीक तरह से घर के काम नहीं किए, इसीलिए मैंने इन्हें खाना नहीं दिया। आप अच्छी तरह जानती हो ये दोनों बहुत छोटी हैं, ये ठीक से काम नहीं कर सकती, फिर भी आप इनसे काम करवा रही हो। देख, तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अगर तुझे और तेरी बहनों को इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा, वरना तुम तीनों इसी वक्त इस घर को छोड़कर चली जाओ। रोज रोज आपकी अत्याचार सहन करने से अच्छा है कि हम तीनों ये घर छोड़ दें। वैसे भी अब मुझे नौकरी मिल गई है, मैं आराम से अपनी और अपनी बहनों का गुजारा कर सकती हूँ। उसके बाद संजना अपनी दोनों बहनों को लेकर केक की दुकान पर चली जाती है। ये दोनों कौन है और तू इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई है? ये दोनों मेरी छोटी बहनें हैं। मेरी मामी हम तीनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है, इसलिए हमने उसका घर छोड़ दिया। क्या आप हमें दुकान में रहने की जगह दे सकती हो? सारा दिन काम करने के बाद मैं अपनी बहनों के साथ रात में यही सो जाया करूंगी। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अगर मैंने तुम तीनों को यहाँ रखा तो क्या पता तुम रात को तीनों दुकान का सामान चुरा कर भाग जाओ। मेरा यकीन करिए, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर तुम तीनों को सोना है तो दुकान बंद करने के बाद दुकान के बाहर सड़क के किनारे सो जाना। उसके बाद वो औरत दुकान बंद करके वहाँ से चली जाती है। फिर संजना अपनी बहनों के साथ दुकान के सामने सो जाती है। रात को काफी तेज बारिश होने लगती है। संजना और उसकी बहनों के पास बारिश से बचने का कोई सहारा नहीं था। तीनों बहनें बारिश में बुरी तरह भीग कर बीमार पड़ जाती हैं। अगली सुबह दुकान की मालकिन वहां आकर दुकान खोलती है। सुन संजना, आज पूरे 10 केक पहुंचाने का ऑर्डर आया है। मालकिन, कल रात हम तीनों बारिश में बुरी तरह भीग गई, जिस वजह से हमारी तबीयत खराब हो गई है। आप हमें दवाई खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। ये सुनकर मालकिन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तू जब से यहाँ काम पर लगी है तब से मेरा सर दर्द बन गया है। देख, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, तू इसी वक्त यहाँ से निकल जा, अब मैं तुझे काम पर नहीं रख सकती। ये सुनकर संजना मालकिन से मिन्नतें करने लगती है, लेकिन मालकिन उसकी एक नहीं सुनती और उसे उसकी बहनों को वहाँ से भगा देती है। दीदी, अब
तो हमारे पास कोई सहारा नहीं, अब हम तीनों कहाँ जाएंगी? तुम दोनों चिंता मत करो, मैंने सुना है पास वाले जंगल में गुफा है, हम वहीं जाकर रहेंगे। उसके बाद तीनों बहनें जंगल में मौजूद गुफा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक गुफा के अंदर से एक खतरनाक चुड़ैल बाहर आती है। गुफा के अंदर इंसानों का आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम तीनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, हमें कुछ मत करो, हम तीनों बहुत दुखी हैं, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, इसीलिए मजबूरी में हम तीनों यहाँ आई, आप हमें यहाँ रहने की इजाज़त दे दीजिए, बदले में मैं आपकी नौकरानी बनकर रहूँगी। ये बात मुझे पसंद आई, ठीक है तुम तीनों यहाँ रह सकती हो। उसके बाद तीनों बहनें गुफा के अंदर चली जाती हैं। अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे मोती से भरे बक्से रखे हुए थे, लेकिन संजना और उसकी बहनें उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती। उसके बाद संजना चुड़ैल के कहे गए सारे काम चुपचाप करने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर एक दिन अचानक वो चुड़ैल एक नीली परी के रूप में बदल जाती है। नीली परी को देखकर तीनों बहनों को बड़ा आश्चर्य होता है। मैं तुम तीनों की परीक्षा ले रही थी, तुम तीनों गरीबी की मार झेल रही हो, लेकिन फिर भी इतने सारी दौलत देखकर तुम्हारे मन में जरा भी लालच नहीं आया, तुम तीनों की ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं अब तुम तीनों की जिंदगी बदल दूंगी। उसके बाद नीली परी तीनों बहनों को एक जादुई झरने के पास ले जाती है। वो झरना चॉकलेट का झरना था। ये जादुई चॉकलेट का झरना है, इस चॉकलेट से तुम कुछ भी बना सकती हो, आज के बाद तुम जादुई चॉकलेट से तरह तरह की चीजें तैयार करके बेचो, इससे तुम तीनों की गरीबी दूर हो जाएगी। ये सुनकर संजना बहुत खुश होती है। उसके बाद वो झरने से ढेर सारी चॉकलेट निकाल कर इकट्ठा कर लेती है। पर संजना चॉकलेट से जादुई चॉकलेट की तरह तरह के खिलौने बनाकर बाजार में बेचने लगती है। बच्चों को जादुई चॉकलेट के खिलौने बहुत पसंद आते हैं, इस वजह से सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए चॉकलेट के खिलौने खरीद लेते हैं। उस दिन के बाद से संजना रोज ढेर सारे जादुई चॉकलेट के खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगती है। इस तरह तीनों बहनों की गरीबी दूर हो जाती है। एक बड़े स्कूल में उनका एडमिशन करवा देते हैं और इसके साथ ही वो एक बड़ा घर भी खरीद लेते हैं। फिर तीनों बहनें उस घर में सुकून से रहने लगती हैं। चंपकपुर नाम के गांव में हेतल नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। हेतल पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ सिलाई की एक छोटी सी दुकान भी चलाया करती थी। हेतल स्कूल खत्म होने के बाद सीधा दुकान पर जाकर सिलाई करने बैठ जाती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन मोना स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपनी सहेलियों के साथ मजे से खेला करती थी। माँ, मैं सारा दिन दुकान पर बैठकर सिलाई करती हूँ, मुझे स्कूल का होमवर्क भी करना पड़ता है, कम से कम हफ्ते में आप मुझे एक दिन की छुट्टी दिया करिए। बेकार की बातें मत कर, पढ़ाई लिखाई करके तो कौन सा तीर मारने वाली है, चुपचाप दुकान पर बैठकर सिलाई किया कर, तेरे लिए यही अच्छा है, अगर तूने ज्यादा होशियारी दिखाई तो मैं मार मार के तेरा भरता बना दूंगी, समझ गई ना। इस तरह सौतेली माँ हमेशा डरा धमका कर हेतल से काम करवाया करती थी। फिर एक दिन हेतल शहर के बाजार से सिलाई का सामान खरीदकर दुकान की ओर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक छोटी परी दिखाई देती है। वो परी बुरी तरह घायल थी। हेतल फौरन परी को उठाकर अपनी दुकान पर ले जाती है। थोड़ी देर के बाद परी को होश आ जाता है। हेतल उसे पेट भर खाना खिलाती है। तुम तो परी देश की परी हो, आखिर तुम पृथ्वी पर कैसे आ गई और तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हुई? मैं अपनी माँ के साथ पृथ्वी की सैर करने आई थी, लेकिन एक चुड़ैल ने हम पर हमला कर दिया था। मेरी माँ चुड़ैल से लड़ाई करने में व्यस्त थी,
तभी अचानक मैं जादुई कालीन से नीचे गिर गई। मैंने अपनी जादुई घड़ी से अपनी माँ को सिग्नल भी भेज दिया है, वो आज नहीं तो कल मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगी। तभी अचानक वहाँ हेतल की सौतेली माँ आ जाती है। ये छोटी परी कौन है? इसके शरीर पर तो बहुत सारी चोटों के निशान हैं। इसके फटे हुए कपड़े देखकर लगता है कि परी देश की भिखारी है। तूने इसे दुकान पर क्यों बैठा रखा है? निकाल इसे यहाँ से। माँ ये बेचारी मुसीबत में है, इसीलिए मैं इसे दुकान पर लेकर आई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, चल भाग यहाँ से। नहीं नहीं माँ, अगर हम इस बेचारी को यहाँ से भगा देंगे तो ये कहाँ जाएंगी? ये अपनी माँ से बिछड़ चुकी है। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, तो इसी वक्त यहाँ से भगा, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए भगा दूंगी। ये सुनकर छोटी परी दुखी होकर रोने लगती है। ठीक है माँ, तुम हमेशा मुझ पर अत्याचार करती हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे अत्याचार सहन नहीं करूंगी। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से दूर जा रही हूँ। हाँ हाँ, निकल यहाँ से। धमकी किसे दे रही है? 2 दिन बाहर रहेगी तो तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरे घर पर तुझे रोज पेट भर खाना खाने को मिलता है ना, इसीलिए तुझ में बहुत ही ज्यादा घमंड आ चुका है। तुझे पता नहीं दुनिया में अकेले रहना कितना कठिन है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगी। मैं किसी भी तरह अपना गुजारा कर लूंगी। उसके बाद हेतल छोटी परी को लेकर वहां से चली जाती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। कोई बात नहीं, मेरी सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा बुरी है, वो हमेशा मुझे परेशान किया करती थी। थोड़ी दूर चलने के बाद हेतल को एक बहुत घना पेड़ दिखाई देता है। हमारे रहने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। उसके बाद हेतल ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठे करके पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर लेती है। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? हाँ दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख के मारे मेरा पेट बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हुनर है। चलो पास के बाजार में चलते हैं, वहाँ किसी दर्जी की दुकान में मुझे कपड़े सिलने का काम मिल जाएगा। उसके बाद हेतल छोटी परी को लेकर बाजार में चली जाती है। तभी उसे एक दर्जी की दुकान दिखाई देती है। हेतल विनती करते हुए दुकान के मालिक से काम मांगने लगती है। दुकान का मालिक हेतल को एक ड्रेस सिलने के लिए दे देता है। हेतल बहुत अच्छी तरह ड्रेस सिलकर तैयार कर देती है। ये देख दुकान का मालिक खुश हो जाता है और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। देखते ही देखते शाम तक हेतल बहुत सारी ड्रेस सिलकर तैयार कर देती है। हेतल के काम करने की रफ्तार देखकर दुकान का मालिक उसे अच्छे पैसे दे देता है। अरे वाह, हमें काफी पैसे मिल गए हैं, अब हम पेट भर खाना खा सकते हैं। हेतल छोटी परी को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और वो दोनों पेट भर खाना खाते हैं। उस दिन के बाद से रोज हेतल सिलाई करके पैसे कमाना शुरू कर देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर आखिरकार एक दिन छोटी परी के पास उसकी माँ आ जाती है। अपनी माँ को देखकर छोटी परी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके गले लग जाती है। अपनी बेटी को खो देने से मैं बहुत दुखी थी, मुझे डर था कि मेरी बेटी के साथ कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। लेकिन इतने दिनों तक तुमने मेरी बेटी की अच्छी तरह देखभाल की है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें इनाम के रूप में अपना जादुई तारों का लहंगा दे रही हूँ। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से हेतल के शरीर पर तारों से बना एक जादुई लहंगा प्रकट कर देती है। ये जादुई लहंगा तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगा और साथ ही तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। उसके बाद परी अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जादुई तारों का लहंगा हेतल के लिए एक बहुत ही सुंदर घर प्रकट कर देता है।
मुझे लोगों के कपड़े सिलना बहुत पसंद है। तुम मेरे लिए एक जादुई सिलाई मशीन प्रकट कर दो, जिससे आमदनी करने के साथ साथ मैं गरीबों के लिए मुफ्त में कपड़े बना सकूं। हेतल की ये बात सुनकर जादुई तारों का लहंगा वहां पर एक जादुई सिलाई मशीन प्रकट कर देता है। फिर उस दिन के बाद से हेतल जादुई सिलाई मशीन में एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े बनाना शुरू कर देती है। सुंदर कपड़ों को बेचने के साथ साथ वो गरीब लड़कियों के लिए भी कपड़े बनाकर उनके बीच बांटा करती थी। इसके साथ ही वो अपने स्कूल में पढ़ने वाली गरीब लड़कियों की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने लगती है। धीरे धीरे हेतल की अच्छाई चारों तरफ प्रसिद्ध हो जाती है। सभी लोग हेतल की खूब तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ हेतल की सौतेली माँ अपनी घमंडी स्वभाव के चलते ग्राहकों से अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, जिस वजह से कुछ ही दिनों में उसकी सिलाई की दुकान पूरी तरह बंद हो जाती है। साथ ही किराया ना देने के साथ साथ दुकान का मालिक उन्हें दुकान के साथ साथ घर से भी बाहर निकाल देता है। इस तरह दोनों माँ बेटी सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो जाती हैं। फिर एक दिन हेतल की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। उन दोनों की बुरी हालत देखकर हेतल को बहुत दुख होता है और वो उन दोनों के सारे गुनाह माफ कर देती है और उन्हें अपने घर ले जाती है। हमें माफ कर दे बेटी, हमने हमेशा तेरे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन हमारे बुरे वक्त में तूने हमें सहारा देकर ये साबित कर दिया कि तू कितनी नेक और दयालु है। कोई बात नहीं माँ, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे रहते आप दोनों को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं हमेशा आप दोनों का ख्याल रखूंगी, क्योंकि मुझे भी माँ और बहन का प्यार चाहिए। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। हेतल अपनी अच्छाई के चलते सभी का दिल जीतकर हंसी खुशी रहने लगती है।